नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणु शुक्ला लेकर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम डियर साहित्यकार, और मैं क्रीडेंट टीवी की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर नरेश दादी जी, जो पूर्व वीसी रहे हैं और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, बहुत ही दिग्गज विद्वान माने जाते हैं। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं उनसे, उनकी जिंदगी के उन अनछुए पहलुओं के बारे में। हम जानते हैं कि कैसे एक राजनीति शास्त्र का दिग्गज साहित्य की तरफ उन्मुख हुआ और उससे जुड़ा। हम राजनीति विज्ञान विषय के दिग्गज या राजनीति विज्ञान विषय के पुरोधा से बात कर रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि उनके ऐसा क्या उनके जीवन में है जो उनको साहित्य की रवानगी की तरफ लौटता हुआ ले गया, और साहित्य में उन्होंने अपना इतना महनीय स्थान हासिल किया। जब हम बात करते हैं तो उनके आरंभिक वर्षों को साझा करते हैं और उनके जिंदगी के अनछुए पहलुओं पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर नरेश दादी से, क्रीडेंट टीवी की तरफ से आपका अपना प्रोग्राम डियर साहित्यकार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद। सर, आप राजनीति विज्ञान के पुरोधा माने जाते हैं। राजनीति विज्ञान के गांधी दर्शन में आप सिद्धहस्त हैं और विचार विभाग के प्रवर्तक हैं। आपने जिंदगी भर राजनीति शास्त्र विषय की सेवा की, उसे पढ़ा और उसे पढ़ाया। लेकिन ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या आपके जीवन में ऐसा क्या सरोकार आया जिससे कि आप साहित्य की तरफ उन्मुख हुए? तो हम जानते हैं इनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। जी, ऐसा है कि कोई विशेष बात नहीं है। मेरा बचपन से एक जिसे कह सकते हैं मेरी हॉबी रही है पढ़ने की। तो वो मैं 6वीं 7वीं 5वीं क्लास में था, तब से एक बार क्या हुआ कि मेरे पिताजी एक लोकल, जो उस समय में जिस जगह हम रहते थे वहाँ पर जो मोहल्ला था, गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे वो बजाज नगर में, तो उसमें एक सोसाइटी बनी हुई थी इनकी, सबके लोगों की। तो उनके वो सांस्कृतिक सचिव थे मेरे पिताजी जी, और जी। उन्होंने उस समय एक नया 60s की बात है, 65-66 की, तो उन्होंने एक पुस्तकालय का आया था, पुस्तकालय भी बनाया जाए सबके लिए वहाँ, तो पुस्तकें खरीद के लाए थे। तो वो चूंकि सांस्कृतिक सचिव थे तो बहुत सारी किताबें उन्होंने खरीदी, प्रेमचंद की और सारी हिंदी साहित्य, बहुत सारा, कम से कम 300-400 किताबें होगी। तो वो पुस्तकालय बन रहा था, तो जब तक वो बने तब तक वो पुस्तकालय घर पर रखी हुई थी, तो जब तक बने तो उसको शिफ्ट करेंगे। हालांकि उसको बंद कर रखा था हमने, उन्होंने पिताजी ने, लेकिन एक दो दिन तो बंद रही। और फिर हम तो छोटे बच्चे थे तो हमको उत्सुकता जगी कि इसमें क्या हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने शर्त कही थी, इसको किताब खराब नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो इसको आप पढ़ तो लो। तो वो किताब पढ़ने का शौक उस समय लगा, तो 300-400 किताबें, सब हिंदी की जितनी भी उस समय चलती थी वो सब पढ़ी। तब से शौक पढ़ने का था बेसिकली, मेरे जासूसी उपन्यास पढ़े वगैरह, बहुत सी बातें करी। तो उसके बाद कविता का जहाँ तक संदर्भ है, जो राजनीति विज्ञान है वो तो हम पढ़ाई करी और टीचर बने और उसमें हम पढ़ी रहते हैं। कविता का जहाँ तक संदर्भ है, मैं जब MA के अंदर था तब मैं कविताएं वगैरह लिख रहा था और मेरी कविताएं छपनी भी शुरू हो गई थी एक दो। वो जैसे मधुमति के अंदर मेरा, मुझे अब भी याद है, कोई नवोदित कवि का एक कोई आता था, उसमें मेरी कविताएं छपी थी, नवोदित कवि है। दो एक साल तो छपी इधर उधर, फिर उसके बाद हम राजनीति विज्ञान के अंदर टीचिंग में आके और उसमें बिजी हो गए। तो ये बात है करीब 77-78 की, 1977-78 जब मैं MA पास किया था। उसके बाद से कविताओं का लिखना उड़ना, पढ़ते तो कभी कभार थे लेकिन लिखना बिल्कुल बंद था। फिर एक घटना हुई 2006 में, उसके बाद मैं कुलपति बन गया था और उस सिलेक्शन करने थे हिंदी के। तो हिंदी के सिलेक्शन के लिए मैंने प्रोफेसर का, मैंने कहा था कि राजस्थान से नहीं किसी बाहर से प्रोफेसर को बुलाएंगे। तो एक प्रोफेसर थे शिमला में, कुमार कृष्ण, वो कृष्ण कुमार शर्मा, KK शर्मा थे उनका नाम। तो उसमें देखा था हमने UGC की लिस्ट में, तो मैंने कभी बाहर से कौन इनको बुलाया जाए। तो वो समय था मई 2007, 25-26 मई की बात है। तो उनको बुलाया, तो वो शिमला में थे, तो उन्होंने कहा कि सर शिमला में लोग आते हैं गर्मियों में, आप हमको राजस्थान बुला रहे हो लू में। तो मैंने कहा नहीं, आप ही आइए, क्योंकि मैंने तो ये देखा आपका नाम मैंने पढ़ा है, तो मैं तो कोई मिला नहीं था, बात भी नहीं जानता था। तो वो कहा नहीं, मैं, उन्होंने बहुत सी शर्तें रखी मैं नहीं आऊँगा, कि मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं वाइफ के साथ आता हूँ, मैं तो गाड़ी के बिना सफर नहीं करता वगैरह वगैरह। मैंने सारी शर्तें मान ली, मैंने कहा जो भी हो आप जितनी डिफिकल्टी बता रहे हो उतना ही अच्छा है, आप अच्छे आदमी हो इसका मतलब। तो वो आ गए।
सिलेक्शन हुआ, पास में ठहरे हुए थे, जिस दिन सिलेक्शन हुआ नेक्स्ट डे उनको जाना था, वो कार लेके आए थे, उसी दिन वो गुजर आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था और गोलियां चल गई थी। 27 मई की बात है शायद वो, 2007 बूंदी पे वो बंद हो गया था रास्ता, इधर कोटपुतली में रास्ता बंद हो गया था। तो चूंकि वो तो प्रोफेसर ही थे बेचारे, तो वो डरे, मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं आप मत जाइए, आप रुकिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भी मैं रुक जाता हूँ। मैंने कहा जी आपका वहाँ पे क्या काम है, आप मियाँ भी यहाँ पे आए हुए हो, वहाँ पे घर पे कोई है नहीं, तो आप यहीं रुकिए 2-4 दिन, जब माहौल ठीक हो जाए तब जाइए, हालांकि मैं पुलिस के साथ आपको भिजवा सकता हूँ, लेकिन ये इतने रिस्क क्यों लेते हो आप। तो वो रुक गए। अब वो रुकने के बाद तो मेरे पड़ोस में थे, उस पास में उनका गेस्ट हाउस था, तो मैंने कहा रोज शाम को डिनर मेरे साथ कीजिए, अपन गप लगाएंगे। तो शाम को आए, एक दिन आए, दूसरे दिन आए, दूसरे दिन जब आए, अच्छा मुझे पता नहीं था वो कवि वगैरह भी हैं या कुछ है, मैं तो जानता था प्रोफेसर के लिए बुलाया था। तो कुमार कृष्ण जी दूसरे दिन अपनी श्रीमती जी के साथ आए, तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने कल एक कविता लिखी। तो मैंने कहा अच्छा चलो सुनाओ आप। कविता लिखी कि साहब मैं यहाँ फंस गया हूँ, तो एक फंसे हुए आदमी की मनस्थिति क्या है उसके ऊपर मैंने कविता लिखी है। तो उन्होंने सुनाई 4 लाइनें, कहा कभी आधी हुई है पूरी नहीं हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। रात को मेरे को लगी कि मैं भी कविता लिख दूँ, तो मैंने रात को एक कविता लिखी उनकी मनस्थिति को देखते हुए, और वो जब लिखी, और नेक्स्ट डे जब आए शाम को, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने भी ये कविता लिखी है। तो उनका अच्छा आपने लिखी बताइए आप। तो वो मैंने उनको सुनाई, तो वो कविता है, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं एक मिनट सुनाऊं आपको, जो पहली कविता है जी सर, जी सर, जो मेरे प्लीज दूसरे सर, दौर से शुरू हुई, और बड़ी मजेदार प्लीज कविता सर, बनी गई, अपना अपने आप बनी वो। कि प्लीज सर, दूर गगन से आया पंछी, रिश्तों की एक प्यास लिए, महकी महकी सौंध लिए और जीवन का विश्वास लिए। फिर जी देखा भय का साया, रिश्तों में टकराहट देखी, सूनी सूनी गलियां देखी, लट्ठों की गर्माहट देखी, टेढ़े वाह, मेढ़े चेहरे देखे, आंखों में बस सांस लिए, दूर गगन से आया पंछी, रिश्तों की एक प्यास लिए। ये बड़ी लंबी वाह, कविता है, मैंने वाह सर, काफी लिखी। तो ये उनको सुनाई, सुनने के बाद उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये आपने लिखी है। मैंने कहा मैंने लिखी है, मेरे को कल लगा, मैंने सोचा आप फंसे हो तो आप क्या सोच रहे होंगे, इसको सोच के मैंने लिखी है। उन्होंने 3 बार पूछा कि आप सही बताइए आपने लिखी है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि मैं अंदर गया कमरे में और मैं पेन और कागज लेके आया अपने, मैंने कहा साहब साहब मैंने लिखी है, देखो आप ये रात को मैंने लिखी है, एक दो शब्द काटे पीटे हैं। तो उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब ऐसा है कि मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप लिखना बंद मत करो, आप मैं कविता लिखना आता है आपको, आपको शब्दों को गढ़ना आता है। मैंने कहा ये तो तुकबंदी टाइप लगी मुझे, लेकिन ठीक है। वो मैंने लिखनी शुरू की 2006 में, और उससे आज 2020-21 आया है, तो मेरी 5 संकलन मेरे प्रकाशित हो चुके हैं। तो मैं तो कुमार कृष्ण जी को अपना गुरु मानता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, उनको लगा कि मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये है मेरी कथा इसमें। सर, गोपाल दास नीरज ने एक बात कही है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो आप इस मामले में निश्चित रूप से सौभाग्यशाली हैं। आइए दृष्टि डालते हैं आपके जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं पर। क्रीडन टीवी से आग्रह है कि कृपया प्रस्तुत करें कुछ छुए और अनछुए पहलू सर की जिंदगी के बारे में जो हमने। सर, एक मेरा प्रश्न है कि आप साहित्य की विधाओं के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है साहित्य सप्तक, मैं भी उससे सरोकार रखती हूँ, आप उस प्रोग्राम के बारे में बताएं कि क्या आप उस प्रोग्राम में नया करते हैं। मैं चूंकि सोशल साइंस बैकग्राउंड से आया हूँ, समाज विज्ञान के बैकग्राउंड से, और हिंदी को मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, तो मेरा ये मैंने 2-4 हिंदी के प्रोग्राम देखे थे, तो मुझे लगा कि हिंदी में जो प्रोग्राम्स होते हैं अधिकतर कविता जैसे किसी का लोकार्पण वगैरह, तो वहाँ पर इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कितने लोगों ने मालाएं पहनाई है और कौन से शॉल पहनाया है और उनको क्या वो लिख कर दिया है, बड़े महान आदमी है वगैरह वगैरह, और ताली बजाते हैं सब, और तो उसका मतलब उस जो पुस्तक लिखी है उस पर तो कोई बात करता नहीं अधिकतर, बहुत थोड़ा बहुत बोलते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और उस व्यक्ति की पूजा करते हैं। तो मुझे चूंकि हमारे समाज विज्ञान में ऐसी परंपरा नहीं है, हम जब भी कोई किताब आती है, कोई आर्टिकल आता है, जब डिस्कशन होता है तो हम लोग सिंपल डिस्कशन करते हैं, तो मैंने कहा भी ये मुझे सही लगता है। तो मैंने जयपुर पीस फाउंडेशन, जो हमारा फाउंडेशन है, उसके द्वारा मैंने कहा भी हिंदी में
हम एक जितने भी विधायक हैं चार पांच है, हम कई काफी लोग हम बैठे थे, कुमार कृष्ण कल्पित जी हमारे एडवाइजर थे मुख्य रूप से, जिन्होंने बताया था क्या क्या करना चाहिए, और भी बहुत से लोग थे, राजेंद्र मोहन जी शर्मा, प्रदीप सैनी जी वगैरह, फारूक अफरीदी, तो हम सब लोग बैठे। मैंने कहा भी ऐसा है कि मैं 7 दिन का, एक एक दिन का प्रोग्राम 3 घंटे का करें, उसमें ये तो कार्यक्रम कम हो कि व्यक्ति पूजा कम हो, और उसमें जो कला है, जिस जो विधि है, उस विधा पर किसी एक व्यक्ति का आप सम्मान कर दें, चाहे सीनियर आदमी का, लेकिन किसी एक एक व्यक्ति को कहें कि वो उस अपनी बात कहे उस विधा में, जो हम जिसको मानते हैं कि इसको इसकी बात सुननी चाहिए, एक सीनियर व्यक्ति उसको प्रिसाइड करे, और चार लोग उसके बारे में पढ़कर आए, उस व्यक्ति के साहित्य के बारे में, और फिर उस व्यक्ति के बहाने या उसकी रचनाओं के बहाने उस विधा के ऊपर बहस हो, ये एक हमने स्ट्रक्चर बनाया। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ, मुझे पता नहीं था, लोगों ने कहा ये बड़ा अलग तरह का है साहब, इसमें मजा ही नहीं, मतलब लोग तो कहें कोई मालाएं पहनाओ और शॉल उड़ाओ। मैंने काफी रेजिस्ट किया, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, वो तो मालाएं पहनाना और ये तो चलता है शॉल उड़ाना, मैं तो उसके फेवर में बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा जी आप किताब पे क्रिटिकली बात कीजिए, जिससे कि जो नए लोग इससे जुड़ते हैं, आते हैं, उनको मालूम पड़े इस विधा में क्या हो रहा है। तो इस संदर्भ में हमने शुरुआत की थी 2019 में, 7 दिन का बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, और दूसरे दिन फिर 2020 में भी हमने, 2018 में किया, 19 में किया, 20 में हम नहीं कर पाए कोरोना की वजह से, और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम इसको और थोड़ा अच्छा बना, क्योंकि मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो ये है कि जो कृति हो उस पर बहस की जाए, और कृति के बहाने उस विधा पर बहस की जाए, न कि किसी व्यक्ति की का सम्मान, तो ठीक है सम्मान तो कर ही रहे, हिंदी में बहुत होते हैं सम्मान, तो ये मेरा एक, चूंकि समाज विज्ञान में हम व्यक्ति का सम्मान नहीं करते इतना जितना उस पर बहस करते हैं, जो उसके विचार हैं उसके ऊपर, और कविता, हर कविता विचार होती है किसी न किसी प्रकार की, ये एक नए प्रकार का हमने एक आरंभ किया था मुख्य रूप से। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान विषय को आपने पढ़ा और पढ़ाया होगा, लेकिन अभी आपने वार्तालाप के दौरान बताया कि आपकी 5 पुस्तकें जो साहित्यिक कृतियां हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं, इनमें कविताएं हैं, और कविताओं का मूल विषय क्या है, आपकी इन कृतियों के बारे में बताइए। देखिए, जो पहली मेरी जो नेचुरल, जिसे कह सकते हैं कि फ्लो है मेरा, वो तो गीतों का है, नेचुरल फ्लो, जो मैंने आपको सुनाया था पहले। तो जो जी पहली पुस्तक आई 2008 में, वो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी, वो दूर क्षितिज तक, उसमें सब दूर गीत हैं क्षेत्र अधिकतर। हाँ, उसमें सारे गीत हैं मेरे, जैसे ये किताब है, अभी आपने बताया भी था, तो इसमें सारे गीत हैं मेरे। उसके बाद इन गीतों को बाद में फिर 2-3 साल का गैप आया, मैं और लिखता रहा, और चूंकि अब ये सोशल मीडिया बहुत हो चुका है, तो आजकल फेसबुक वगैरह पे लिख देते हैं कुछ भी, तो थोड़े कमेंट भी आ जाते हैं, मालूम भी पड़ जाता है कैसा है। उसके बाद में जो मेरे दो संकलन आए थे मुख्य रूप से, जो एक और संकलन आया था वो था मौन काक्षण। मैं कविताओं में मुख्य रूप से, हम अगर देखें हिंदी कविताएं जो मैंने पढ़ी है काफी, पढ़ता रहता हूँ मैं अंग्रेजी की भी, तो मैं महादेवी वर्मा से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ, और मैं मानता हूँ कि हिंदी में अगर कविता किसी को लिखना सीखना है तो उसको महादेवी वर्मा का अध्ययन करना चाहिए। वो जैसे शब्दों का प्रयोग करती है, वो मेरे, मैंने बहुत से कवि दे पढ़े हैं, लेकिन उनके जैसे शब्दों का प्रयोग करने वाला मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, और उसके कारण से छायावाद से प्रभावित था मैं। तो मेरा जो दूसरा संकलन आया वो पूर्ण रूप से छायावादी कविताओं से भरा हुआ है, इस जो मौन का क्षण के नाम से प्रकाशित हुआ। आप कहें तो मैं एक कविता इसके बताऊं आपको हाँ सर, कि ये, बिल्कुल सर, स्वागत सर, कि ये, स्वागत हाँ, कि इसमें मेरी जो रिदम है वो तो मेरी गीत वाली रिदम है, लेकिन वो जी। जो मैंने शुरू जो लिखा है वो छायावादी उस परिप्रेक्ष्य में या छायावादी परंपरा में लिखा है। है गीत है कि कौन खड़ा, ये कौन खड़ा नैनों के द्वार। आप जानते हैं महादेव वर्मा ने कौन शब्द का बहुत प्रयोग किया है, जी इसके सर, जी सर, मिस्ट्रिसिज्म की बात की जाती है, जी सर, तो मैं भी बहुत प्रभावित था उनसे, कि ये कौन खड़ा नैनों के द्वार, स्मित यौवन श्रृंगार लिए, करबद्ध बहुत सा प्यार लिए, चंचल पावस की धार लिए, सतरंगी हंसी सत्कार लिए, पुलकित नभ के आंगन में दुकुल सुशोभित शलभ यहीं, अरुणोदय सी पुलकित श्वास मलिया नील सी बहे कहीं, चला गया सपनों के पार, ये कौन खड़ा नैनों के द्वार, सजल द्रगों वाह से सर, वाह, झलकी आभा, त्रसित अधर व्याकुल बन बैठे, कंपित उर लास बन निखरा, गगन विचुंबित अंक समेटे। अवगुंठित चंद्र स्वप्न सा स्पंदन सस्मित विहान का, श्वासों की लय अभिशीत सी पक्षी दल के मधुर गान का,
अजर अजिर लिए पुष्प दवा हार, ये कौन खड़ा नैनों के द्वार। तो ये वाह मैंने सर, बहुत सुंदर सर। ये छायावादी जिसे कह सकते प्रभाव की कविताएं थी मेरी बहुत सारी, तो वो गीतों का ही एक एक्सटेंशन है, गीत की तरह का ही था ये इसमें मूल रूप से। और फिर एक और गीतों का मेरा संकलन आया था, वो है पांव बने हैं मेरे बादल। मेरे ये बड़े बादल, सरल, हाँ सरल भाषा के जो गीत है वो थे। फिर एक नया अभिनव प्रयोग मैंने किया था कि मैं एक, मेरे को टाइफाइड हो गया था कुछ था, मैं 7 दिन बीमार था काफी, तो उस समय मैं उपनिषदों में पढ़ता रहता हूँ, कुछ मेरी आदत है कुछ ना कुछ पढ़ने की, तो उपनिषद पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा इसको हिंदी में कैसे किया जा सकता है, तो गेयबद्ध कैसे करें इसको। तो मैंने 3 उपनिषद जो छोटे छोटे थे उनको गेयबद्ध तरीके से लिखा है। ये संज्ञान त्रयी एक मेरी कविताओं का संकलन है, इसमें 3 उपनिषद हैं। ये और वो सर साहित्य उपनिषद में एक नवीनता है, साहित्य का एक नवाचार है कि उपनिषदों को संज्ञान त्रयी के माध्यम से हम किस तरीके से साहित्य में सरल भाषा में निबद्ध करते हैं। हाँ, भावात्मक अभिव्यक्ति। अब इसको क्या है कि जो कवि है वो तो मानते नहीं इसको कविता, वो तो कहते पता नहीं क्या है ये, तो वैसा ही है, कवियों की तो अलग दुनिया है। लेकिन जो नॉन कवि है, जो साधारण लोग हैं, उन लोगों को बड़ी पसंद आई है। उन्होंने कहा भी कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद और मांडूक उपनिषद को सरल भाषा में, गेयी भाषा में मैंने इसको लिखा है। जैसे एक इसका क्लॉज है वो तो कई लोगों ने उसको कोट किया, मैं एक जगह था तो वहाँ मैंने कहा मेरी किताब में से कोट कर रहे हो आप? हाँ सर, आपकी किताब मेरे पास आ गई थी तो उसमें से कोट कर रहा हूँ कि वह धर्म नहीं जो सच ना हो, वह यज्ञ नहीं जो तप ना हो, वह दान नहीं जो शुभ ना हो, वह मंत्र नहीं जो जप ना हो। अब इसको बड़ा वाह कोट किया। वाह तो वाह ये सर, एक नया अभिनव प्रयोग मेरा था जो कि 7 दिन में लिखा मैंने, जब मैं बीमार था तो पढ़ रहा था और बैठे बैठे ये कर रहा था। इसके बाद में, ये 2013 की बात है, इसके बाद में मेरा जो धीरे धीरे जो कि बहुत पढ़ रहा था, तो अब ये 5वां संग्रह जो मेरा आया है वो बिल्कुल अलग तरह का है। वो उसमें नए मैंने सिंबल काम में लिए हैं, और जो आधुनिक समसामयिक कविता जो लिखी जाती है उसी के परिप्रेक्ष्य में कविताएं लिखी गई है, जिसमें काफी नए तरह के मैंने चीजें काम में ली। जैसे इसमें कविता भी सुनाऊं, दूसरा आकाश, ये है कविता, जी सर इसकी बिल्कुल। इसकी भूमिका भी बड़े एक विद्वान आलोचक, शंभू गुप्त जी ने इसकी भूमिका लिखी है। हाँ शंभुगुप्त जी ने इसकी भूमिका लिखी है, और एक दूसरे आलोचक हैं वो हमारे राजा राम जी भादु, राजा राम भादु उनको, जी ने इसका ब्लॉगर हाँ लिखा है। हाँ तो उन्होंने, उनको भेजी थी प्रकाशक ने, तो उन्होंने कविता देख के उनको इच्छा हुई कि इस पे लिखना चाहिए, तो लिख दिया था। ये इसमें एक नए कुछ मैंने बिंब काम में लिए, तो उनको अच्छा लगा, जो उन्होंने आलोचक, मैं तो जानता नहीं, लेकिन उनको लगा कि बहुत अच्छी कविता है। तो एक मेरी जो प्रिय कविता, वैसे सभी प्रिय है लेकिन कवि प्रिय कविता इसलिए है कि ये राजस्थान के संदर्भ में प्रिय है। ये राजस्थानी, इसको देखने से लगता है कि आप राजस्थान को बिलोंग करते हो, मरुभूमि को बिलोंग करते हो। वो है थार, इसका नाम है कि स्वागत सर, स्वागत। थार के रेगिस्तान का कोना सभ्यता से जहां टकराता है, मैं उसी मकान की छत पर सोता। रेत रात को चांदनी बन बिखर जाती है चारों ओर, आकाश में ऊंट चलते हैं एक लंबी यात्रा पर, तारों पर ठहर करते हैं जुगाली, छत से सब साफ दिखता है। कभी कभी दिन में लू कहानी सुनाने आती है, ढोला मारू की कहानी, पुंगल देश की कहानी, दीवारें रंगी पड़ी है तपती धूप की सांसों से, दूर क्षितिज पर बादलों की टुकड़ी सोई पड़ी है, मेरे पास हर रात सुनाने को होती है एक दास्तां, खेजड़ी की, बकरियों की और उस चरवाहे की जो हांकता ले गया रेवड़ को सरहद के उस पार। अब ये कविता मुझे बड़ी अच्छी इसलिए लगती है, इससे मुझे लगता है मैं बैकग्राउंड जो मेरा है कि मैं मरु प्रदेश को बिलोंग करता हूँ, वो उसके सामने आता है। एक और कविता है जो कईयों ने कहा कि बहुत अच्छा लगी, तो कुमार कृष्ण जी का बड़ा इस पर अच्छा कमेंट आया, बहुत अच्छी लिखी आपने ये, वो है सर्दी। अब चूंकि सर्दी जा रही है तो उस पर सर्दी पर है ये, कि सर्दी हर साल आती है, एक पक्षी की तरह चुपचाप पेड़ की डाली पर बैठ जाती है, धीरे धीरे अपनी चोंच से टहनी को झकझोरती है और अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ जाती है, पंख फैलाकर। हम घरों में स्वेटर, गर्म बनियान, रजाई ढूंढते हैं, सर्दी आ जाती है बिना आवाज के घर के अंदर, पंखे कूलर एसी चले जाते हैं एक लंबी छुट्टी पर, रात भयावह एवं खामोश हो जाती है, नींद बिखरने लगती है सपनों से, सपनों में पोलर भालू
सूने लैंप पोस्ट और गुफाएं नजर आती है, अलास्का सी शांति छा जाती है छतों पर, भयभीत आंखें इंतजार करती है सर्दी की समाप्ति की। ये सर्दी पर लिखी थी मैंने तो। वाह सर, बहुत अच्छी लिखी। सर मैंने कहीं पढ़ा था, वेद जैसी पुराण जैसी है, बाइबल जैसी कुरान जैसी है, लोग कविता को समझते हैं क्या, कविता दिल की अजान जैसी है। लोग कविता को कुछ भी समझें, किसी भी परिप्रेक्ष्य में उसको देखें, लेकिन कविता दिल की अजान की तरह है, जिसकी आवाज, जिसकी सदा सुन करके स्वयं ईश्वरीय भाव वंदित होता है। बहुत लोगों की हमारे स्क्रीन पर डिमांड भी आ रही है, लोग बहुत कह रहे हैं कि आपसे बेटी वाला गीत वो सुनना चाहते हैं, तो आपका सुप्रसिद्ध बेटी वाला गीत एक बार आग्रह पर, आपसे करबद्ध आग्रह है, प्रार्थना है कि कृपया वो बेटी वाला भाव भीना गीत, बहुत सुंदर गीत जो आपने लिखा है वो आप सुनाएं। बेटी का गीत ये इस तरह का है, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये उस इसको जमाना वो है जबकि मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और जब शादी करके बेटी अपने जगह से बहुत दूर चली जाती थी कहीं पर, तो ये मानते हैं कि शादी के बाद में बेटी कहीं चली गई है दूसरे प्रदेश, और 6 महीने तक तो मालूम नहीं पड़ता है बेटी को, क्योंकि नया नया शादी हुई होती है, नया नया प्रवेश होता है, उसमें व्यस्त रहती है। 6 महीने साल भर बाद में वो जब सब सेटल हो जाता है वहां पर ससुराल में, उसके बाद में उसको अपने घर की याद आती है, और तब वो छत पर कपड़े सुखा रही है, और उसके पड़ोस के भी शादियों के आई है कोई, और उसके पिता उसको लेने आते हैं पड़ोस की बहू को, तब उसको अपनी पिताजी की, पिता की याद आती है, तब उस वो भाव को लेकर मैंने गीत लिखा था। स्वागत सर, स्वागत। बाबुल का संदेश सुने बिन जाने कितने दिन बीते हैं, पिय संग सुख चाहे कितना हो, फिर भी पल कुछ कुछ रीते हैं। वाह सर। जब जब उदास होता है ये मन, याद आए बाबुल का आंगन, वो पापा का सिर सहलाना, भूले दुख हो जाए मगन, वो छोटी बहना से लड़ना, झूठी सच्ची बातें घड़ना, बैठे दुनिया भर को हंसना, हाथों से सपनों को पकड़ना, वो गर्मी की छत की रातें, दिन भर बीती उसकी बातें, वो पापा का रोष दिखाना, बीती शामें हंसते गाते, पिय घर आकर सोचे मनवा, क्या हारे और क्या जीते हैं, बाबुल का संदेश सुने बिन जाने कितने दिन बीते हैं। वाह सर वाह। एक और मैं अगर समय हो तो मैं सुना, मेरा सुनाना चाहूंगा 2-1 मिनट में। बिल्कुल सर, स्वागत सर, स्वागत। 2008 में मैं पाकिस्तान की यात्रा पे गया था लाहौर, वहां जी पर सर। बुल्ले शाह की मजार है, और जी सर। लाहौर के पास में कसार में, और उसका 1500वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी, तो गांधीवादी एक विचारक और एक्टिविस्ट थी निर्मला देश पांडे जी, उन्होंने भारत पाक मैत्री संघ बना रखा था, उसके एक डेलीगेशन गया था, उसमें भी गया था, तो मैं कोटा में था उस समय, तो उनका मैसेज आया था कि भाई आपको चलना है, आप भी चलिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कोटा से अमृतसर ट्रेन से गए थे, मैं ट्रेन से गया था, तो मैंने कहा वहाँ क्या बोलेंगे, भाषण होगा, तो मैंने पहले पढ़ा इसको 2 दिन और बुल्ले शाह के बारे में, ट्रेन में जब मैं सोता हुआ जा रहा था तो मैंने गीत की रचना करी, उस ट्रेन में लिखी नहीं थी मैंने कहीं, तो वो गुनगुनाते करी, फिर अमृतसर से हम पैदल पैदल गए लाहौर, फिर वहाँ पे जलसा हुआ लाहौर में, कसार में तो मजार पे जाके आके जलसा उन्होंने लाहौर में किया था, बहुत बड़ा हॉल था, 1500 लोग थे कम से कम, उसमें कुलदीप नैयर वगैरह साथ गए थे हमारे, शाहिद सिद्दीकी, कई MPs थे वगैरह, तो उसमें मेरा भी नंबर आया बोलने का, भाषण देंगे साहब, तो मैंने कहा जी मैं भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि भाषण तो सब दे ही रहे हैं कि भारत पाक एक होना चाहिए, सब साथ होना चाहिए वगैरह वगैरह,
मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हम जिनकी मजार पर आए हैं वो जो बुल्ले शाह हैं वो कोई हमसे अलग नहीं है, हम सब में बुल्ले शाह मौजूद है। फर्क इतना है कि हम बुल्ले शाह को पहचानते नहीं है, हमारे अंदर का जो बुल्ले शाह है, और हम बाहर भटकते हैं बुल्ले शाह को पहुंचने के लिए। तो बुल्ले शाह कौन होता है? बुल्ले शाह और हम में अंतर सिर्फ नजर का है कि दुनिया को किस नजर से देखते हैं। जो एक विशेष नजर से देखता है वो तो लिखा भी है उन्होंने बुल्ले की जाना मैं कौन। हाँ, तो वो बुल्ले शाह वो होता है जो कि विशेष नजर से देखता है, वो फिर बुल्ले शाह हो, गांधी हो, ईसा हो, महावीर हो, सब एक ही है। और एक हम लोग हैं जो अलग तरह से देखते हैं। तो हम तो अपने स्वार्थ से देखते हैं दुनिया, वो बिना स्वार्थ की दुनिया को देखते हैं। तो वो विशेषता क्या है वो मैं गीत में सुनाना चाहता हूँ, जो बुल्ले शाह की विशेषता है। उसमें बाद में पूरा साल गाने लग गया था कि जिसकी राहें अनजानी हो, जिसकी आंखों में पानी हो, जिसकी बोली रब की बोली, पीर लगे या जो ध्यानी हो, खड़े रहे चुपचाप चौराहे, दर्द सभी का जो सहते हैं, उसको यारों क्या कहते हैं, उसको बुल्ले शाह कहते हैं। तो मैंने जब उसमें गाया था उसको यारों क्या कहते हैं, तो पूरा हॉल गूंज उठाता था उसको बुल्ले शाह कहते हैं, तेरा शाह न मेरा शाह, सबका शाह बुल्ले शाह। ये सही बात है, काफी लोकप्रिय हुआ था। सर मैं कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ सर, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपने गांधी को ही अपनी प्रेरणा क्यों माना। गांधी को मैंने प्रेरणा नहीं माना, गांधी में पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अगर आप कोई भी पढ़ेगा गांधी को अगर ढंग से तो वो उनका प्रेरणा अपना आप ही बन जाएगा। मैंने कोई विशेष उसको कोई प्रयास नहीं किए। जब आप गांधी को पढ़ो तो जितना आप गांधी को पढ़ोगे, उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो या गांधी पर जो उन लोगों की किताबें हैं, तो आप देखोगे कि उसको पढ़ने के बाद उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते। उसका कारण है एक बहुत बड़ा कि गांधी के साथ जीवन में वो सारी घटनाएं हुई हैं जो हमारे सबके साथ होती है। ऐसी कोई घटना नहीं थी जो विशेष कोई कोई भगवान की तरफ से कोई स्पेशल कोई उनका साथ हुआ हो, ऐसा नहीं है। वो स्पेशल व्यक्ति नहीं थे, ईश्वर के द्वारा बने हुए। कई लोग होते हैं जो ईश्वर के द्वारा बने हुए लगते हैं, जो बहुत ओजस्वी जैसे कोई वक्ता होते हैं, कईयों का व्यक्ति तो बड़ा विशाल होता है, कोई बहुत हैंडसम होते हैं, कोई बोलते बहुत अच्छा है, मतलब उनमें कई कईयों के पास जो राजा के घर पैदा हुए हैं तो उनमें विशेषताएं जन्मजात होती कईयों में। तो उनसे तो हम कंपेयर अपने आप की तुलना करते नहीं, भाई वो तो वैसे दूसरे हैं, उसका तो हम क्या करें। गांधी का जन्म, आप गांधी को पढ़ा मैंने, तो गांधी को पढ़े तो लगता है उनका बैकग्राउंड हमारे से भी खराब था, उस सेंस में कि बचपन में हम उनसे ज्यादा अच्छे थे। लेकिन गांधी में और हम में एक बहुत बड़ा अंतर है, वो ये कि गांधी के साथ जो घटनाएं हुई उसने हर घटना से कुछ न कुछ सीखा और अपने को इम्प्रूव करने की कोशिश की और अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश की और उस पर दृढ़ रहे, तो धीरे धीरे करते करते वो तो गांधी बन गए। तो इस कारण से वो आप जो कह रहे मेरा आदर्श नहीं है, वो कोई भी जो गांधी को ढंग से पढ़ेगा तो आपको लगेगा कि ये आदमी कहाँ था, इसने क्या गलती, उसको बचपन में चोरी करी, बचपन में झूठ बोला, बचपन में मास्क खाया जो कि उनके परिवार की परंपरा नहीं थी, सारे कृत्य किए जो हम लोगों ने नहीं किए कभी बचपन में, उसके बावजूद उन हर कृत्य से धीरे धीरे समझ, उसके साथ जो मिसबिहेव हुआ वो हमारे साथ कभी नहीं हुआ इतना ज्यादा जीवन में, उनके साथ हुआ। एक अजनबी देश में अकेला बेचारा गया, इंग्लैंड में रहा, साउथ अफ्रीका में गया, वो स्टेशन पे पड़ा है रात भर, कोई उसको एक भी व्यक्ति जान पहचान का नहीं। उन सब घटनाओं को उसने सीखा उनसे और दृढ़ संकल्प करके उनको उस अन्याय को समाप्त करने की कोशिश की। तो उसका व्यक्तित्व, उसका अगर आप पढ़ें तो आप स्वयं उससे वो आपका प्रेरणादायक बन जाएगा। मेरा कोई विशेष नहीं, हर आदमी का बन जाएगा। प्रश्न ये है कि हम पढ़ते नहीं है, अब वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक देख देख के सोचते हैं कि हम विद्वान हैं, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अगर आप किसी उसकी किताब दो तीन किताब गांधी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, गांधी की दूसरी किताब सत्याग्रह साउथ अफ्रीका पढ़ लें, गांधी का हिंदू स्वराज, ये तीन किताबें अगर गांधी की पढ़ लें, तो मेरा दावा है कि कोई भी व्यक्ति गांधी को से प्रेरणा लेने से मना नहीं कर सकता। ये उसमें विशेष सर हमारे एक मित्र हैं निखिल, उन्होंने कहा है कुछ तो मेरे पास रखें, कुछ तुम मुझे लाकर दे दो, ये कविता सुना दीजिए। चलिए चार लाइन इसकी सुना देते हैं। ये भी बड़ी लोकप्रिय गीत है जो काफी लोगों ने, तारा प्रकाश जी ने इसकी बड़ी तारीफ की थी, तारा प्रकाश जोशी जी ने, और भैया तो बड़ी जोरदार लिखी तुमने, कि कुछ तो मेरे पास रखे हैं, कुछ तुम मुझको उधार दे दो,
गीतों की एक गागर भर दो, गजलों का एक हार दे दो, कुछ वाह तो सर वाह, अच्छी, बहुत मेरे पास अच्छी रखे हैं, कुछ तुम मुझको उधार दे दो। उसका एक पैरा सुनाना चाहता हूँ कि कुछ हम दे दें, कुछ हम ले लें, कपड़ों की गेंदों से खेलें, नीरस जीवन के आंगन में जैसे हो कसबाई मेले, जो तन मन दोनों को भाए, ऐसी एक बयारू दे दो। कुछ तो मेरे पास रखे हैं, कुछ तुम मुझको उधार दे दो। वाह सर, बहुत बहुत अच्छा और बहुत मार्मिक गीत आपने रचे हैं। सर एक दक्ष जी दक्ष जी हैं, हाँ दक्ष जी हैं, वो कह रहे हैं कि किताबें पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है या सोशल मीडिया पर जानकारी देखना। नहीं, सोशल मीडिया का कोई मतलब ही नहीं, किताबें पढ़ने फायदा है। सोशल मीडिया का कोई मतलब, सोशल मीडिया तो मनोरंजन के लिए है या तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, किताब पढ़ने से सोशल मीडिया में बहुत अंतर है। किताब पढ़ने से आपको ज्ञान होता है और सोशल मीडिया को मिलने से आपको सिर्फ सूचना मिलती है। इन दोनों बहुत बड़ा अंतर है। सूचनाओं को ज्ञान में कन्वर्ट करने के लिए किताब पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सूचनाएं तो गलत और सही दोनों हो सकती है। सूचनाएं आपको भ्रमित भी कर सकती है, सूचनाएं सही भी हो सकती है, लेकिन वो सूचना से आपका एक जो दृष्टिकोण विकसित होता है वो बिना किताब पढ़े नहीं हो सकता। और वो किताब भी कौन सी ऐसी किताब नहीं, किताब वो जो उस विषय की ऑथेंटिक जिसे माना जाए। ऑथेंटिक अर्थ क्या है कि जो अच्छे प्रकाशक से प्रकाशित हो या जो उस फील्ड का प्रतिष्ठित विद्वान है उसकी पुस्तक हो, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। तब उस विषय के बारे में आपको ज्ञान हो सकता है। उस विषय के बारे में सूचनाएं तो सोशल मीडिया में मिल सकती है, जैसे राजनीति है फॉर इंस्टेंस। अब जैसे साहित्य, साहित्य के बारे में फेसबुक में रोज लिखते रहते हैं, हर आदमी लिखता रहता है कुछ ना कुछ, उससे साहित्य के बारे में नॉलेज थोड़ी होगी आपकी। इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, आज मेरा ये आज आया कि ये क्रेडेंट टीवी पर आज नरेश जी बोल रहे हैं या वो हो रहा है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। उससे नरेश जी के बारे में भी जानना हो मान लो, तो आपको नरेश जी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना कैसे जानोगे? नरेश जी तो कुछ भी नहीं किताबों है, का कहीं कोई विकल्प नहीं है, हो नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताब जो ही लिखता नहीं है सकता। वो ज्ञान, वो सूचनाओं को ज्ञान में कन्वर्ट करके लिखता है। तो ज्ञान को अगर प्राप्त करना है तो किताबें सबसे आवश्यक है, किसी भी लाइब्रेरी के का कोई विकल्प नहीं है। आजकल किताबें इंटरनेट पर भी है, किंडल है जैसे फॉर इंस्टेंस, वो भी किताबों का एक रूप है, मैं मना नहीं करता, लेकिन वो किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और इससे नॉलेज नहीं मिलेगी, ना अखबारों के सर आर्टिकल हमारे से नॉलेज कई मिलती है। सारे मित्र, डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एम असलम खान साहब, कल्पना गोयल, डॉक्टर राजेश्वरी राठौड़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक और दर्शक जुड़े हैं डॉक्टर सोनू कुमार जो मुंबई से हैं, सब आपको बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार और स्नेह भेज रहे हैं, और धन्यवाद उनको धन्यवाद आपके सबको। गीत बहुत बहुत पसंद आ रहे हैं। सर आपसे आशा है और उम्मीद है कि आप इसी तरह अनवरत अपना सृजन जारी रखेंगे, आप लिखेंगे और हम सब उसके उसे पढ़ेंगे, उस रस के भोगता होंगे। आज आप हमारे साथ रहे और हमारे उन सभी तमाम सारे दर्शकों को जिन्होंने हमारा प्रोग्राम देखा और हमें सराहा और सर के विचारों से हम इतने लाभान्वित हुए, इन सभी के लिए सर का धन्यवाद और जो श्रोता हमसे जुड़े उनका धन्यवाद, और हमारे जो हम जिस कार्य के लिए डियर साहित्यकार प्रयोग डियर साहित्यकार कार्यक्रम को कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम बहुत अधिक सफल और सराहनीय रहा। हमें आप जैसे साहित्यकार से रूबरू होने का, हमें आप जैसे साहित्यकार का आशीर्वाद मिलने का इसमें माध्यम क्रीडन टीवी बना, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद 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 आपको भी, आपको भी और सबको धन्यवाद, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सर।